Praise the Lord everyone, welcome to our channel। आज हम आए हुए हैं गोवा के बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट में जिसका नाम है फैट फिश। ये कालंगुट में है, अरपुरा रोड के पास। इसकी गूगल मैप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो अगर आप गोवा आ रहे हैं तो आप यहाँ पे विजिट करना मत भूलिएगा। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे ऐसा क्या खास मिलता है, तो फिर देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए तो आपको दिखाते हैं फैट फिश रेस्टोरेंट दिखता कैसा है। गाइस चाहे टू व्हीलर्स हो या फोर व्हीलर्स हो, यहाँ पे पार्किंग बहुत अच्छी है और बहुत सारी गाड़ियाँ एट अ टाइम लग सकती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस भले यहाँ पे पार्किंग बहुत अच्छी है, लेकिन अपनी कीमती बिलोंगिंग्स अपने साथ ही रखिएगा। इस जगह की गूगल मैप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए तो लेकर चलते हैं आपको अंदर। गाइस यहाँ पे अलग अलग तरीके से बैठने की अरेंजमेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके से बैठने का अरेंजमेंट मिलेगा। दूसरा है इस तरीके से जो रोड से लग के है, जहाँ से आपको रोड दिखती है। तीसरा है यहाँ अंदर जहाँ हम बैठे थे। गाइस मेरे पीछे यहाँ पे मड क्रैब है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मड क्रैब और सी क्रैब में सबसे बड़ा डिफरेंस आता है साइज का और इनके मीट का। चलिए तो आपको दिखाते हैं लाइव मड क्रैब, और आपको बता दूं इनकी प्राइसेस एज पर साइज होती है। 2000 से 2500 तक आएगा आपको। तो यहीं पे वो डिस्प्ले के लिए रखे रहते हैं, आपको जो भी चाहिए होता है पर साइज के हिसाब से जो भी इसका कॉस्ट है आप देख सकते हैं और चूज कर सकते हैं। टू ऑल माई स्वीट क्रेविंग फ्रेंड्स, यहाँ पे डेजर्ट्स भी बहुत बढ़िया हैं। जहाँ हम बैठे थे वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से है। और मेरे वो भाई बहन जिनका काम सॉफ्ट ड्रिंक से नहीं चलता, तो आपको बता दूं यहाँ पे आपके लिए भी जुगाड़ मौजूद है। तो बढ़िया टीवी देखते हुए आप अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि ये सब हार्ड ड्रिंक्स है, हमारे काम का है ये फैट फिश रेस्टोरेंट। आप गोवा आ रहे हैं तो आपको फैट फिश में ज़रूर खाना चाहिए। यहाँ का सी फूड बहुत ही फेमस है, अगर आप गूगल में देखेंगे तो इसकी बहुत अच्छी रिव्यू है। यहाँ सैलड्स हैं, सूप्स हैं, फिर आपको स्टार्टर्स मिल जाएंगे वेज में। यहाँ वेगन फूड्स भी हैं, ये नॉन वेजिटेरियन के स्टार्टर्स हैं, ये गोवन स्टार्टर हैं, यहाँ तंदूरी आइटम्स हैं, एनी फिश यू विश है, फैट फिश का स्पेशल भी है, यहाँ गोवा कुजन है, इंडियन भी मिल जाएगा आपको, फिर राइस रोटी ब्रेड जो भी आपको चाहिए, कॉन्टिनेंटल है, बर्गर और सैंडविचेस भी हैं, इटालियन खाना भी है, यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह भी है, साथ ही यहाँ पे डेजर्ट्स है। तो चलिए आपको बताते हैं हमने क्या ऑर्डर किया। ये है क्रैब बटर गार्लिक। हम ऑलरेडी तीखा बहुत खा चुके थे तो इसलिए हमने ये वाला ऑर्डर किया। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप तंदूरी या फिर और कोई फ्लेवर चूज कर सकते हैं। ये दिखने में जितना बढ़िया दिख रहा है, टेस्ट में उतना अच्छा है कि नहीं आपको आगे की वीडियो में पता चल जाएगा। टेस्ट तो आपको मैं दिखा चुका हूँ कि मैंने कौन सा चूज किया था। जस्ट लुक एट दिस। प्लस साथ में आपको मिल जाता है राइस, ब्रोकली, ककड़ी और कुछ बॉइल्ड वेजिटेबल। साथ ही साथ में आपको मिल जाता है बॉइल्ड आलू। तो अब ज़रा इसे टेस्ट करके देखा जाए। गाइस मेरी शक्ल देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका टेस्ट कितना बढ़िया है। बहुत गर्म है तो बहुत टेस्टी है। वैसी इसको स्मेल नहीं है, पर बहुत सॉफ्टली टूट जा रहा है। ये देखिए बहुत सॉफ्टली टूट जा रहा है और ये इसका पीस है। गाइस सी क्रैब और मड क्रैब के मीट में जमीन आसमान का अंतर होता है। मड क्रैब का मीट ज्यादा टेस्टी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका डंक काफी बड़ा और मोटा है। जस्ट लुक एट दिस। सी क्रैब आपको मुंबई में भी मिल जाता है, बट अगर आप गोवा आते हो तो मड क्रैब जरूर ट्राई करना, चाहे फ्लेवर आप जो भी चूज कर लो। सो नाउ आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस। अब बारी आती है चौनक रिचार्डो के। काफ़ी दिखने में तो स्पाइसी लग रहा है और कलरफुल दिख रहा है। ये फिश बहुत ही स्पेशल है, ऐसा मैंने पढ़ा था गूगल में, बहुत लोगों ने तारीफ़ की थी। तो अब इसको खा के देखते हैं। ये गर्म है इसलिए मैं स्पून से खा रही हूँ। अब बारी आती है दूसरी डिश की, स्टफ्ड क्रैब। यहाँ पे ऊपर लगी हुई है चीज़ और उसी के साथ लगा हुआ है थोड़ा बहुत क्रैब। बेसिकली क्रैब मीट है। इससे समथिंग डिफरेंट। क्रैब हम लोग खाते रहते हैं मगर क्रैब जो है स्टफ क्रैब इज समथिंग वेरी डिफरेंट। ये उसी का मीट है जो इसके अंदर लगा हुआ है, छोटा है। ये देखिए इसका शेल है और ये जो है ये उसका मीट है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे आप क्रैब की भुर्जी खा रहे हैं बट क्रैब मीट भुर्जी। और साथ में चीज़ है इसकी यहाँ पे लगी हुई और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, टेस्ट बढ़िया है। साथ ही इसमें मिल जाता है आपको फ्रेंच फ्राई और इस तरीके से सलाद। बेस्ट पार्ट ये है कि गोवन स्टाइल में है और बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। तो जैसे कि मैंने कहा भुर्जी टाइप का है, तो अगर आप उनमें से जिन्हें ज़्यादा स्पाइस पसंद नहीं है तो आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और फिर हम खाने पे टूट पड़े, लेकिन आपको बता दूं खाने के बीच में भी हमें बार बार उठकर वीडियो लेना होता है ताकि हम आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके। अब यार आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना तो बनता है। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अरे कहीं जाइएगा मत, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस जगह की खासियत तो हमने आपको बता दी, लेकिन कुछ कमियां भी हमें लगी जो हम आपको बताना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ऑलरेडी यहाँ पे वेटिंग है, हम इसलिए 7 बजे आ गए थे। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आफ्टरनून में भी जल्द से जल्द आइएगा, और क्योंकि यहाँ पे बहुत वेटिंग होती है क्योंकि यहाँ का खाना बहुत ही फेमस है और बहुत ही टेस्टी है। गाइस सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, यहाँ के वेटर्स लीस्ट इंटरेस्टेड होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है वो शायद आपको ढंग के ऑप्शंस भी ना दे, तो थोड़ा बहुत अपना R&D करके जाइएगा। जैसे हमने थोड़ा R&D कर लिया था इसलिए हमको काफ़ी बेनिफिट मिला उस चीज़ का। तो वैसे ही आई होप ये वीडियो भी आपको बेनिफिट हो और आप ये सब देख के ऑर्डर कर सकें। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा अगर आप स्पाइसी लवर्स हैं तो मेक श्योर उनसे आप बोलिए कि हमको स्पाइसी पसंद है। अगर आप यहाँ आए हैं तो उन्हें जैसे गोवन की जो डिशेस होती हैं जो गोवन स्टाइल में बनी होती है आपको बोलना पड़ेगा उनको कि वैसा बना कर दो। यहाँ की सर्विस जो है वो थोड़ी स्लो है। मेक श्योर कि आप यहाँ पर आते हैं तो आप पहले ही ऑर्डर दे दीजिए और जो भी ऑप्शन है वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे आप ऑर्डर देते हैं तब खाना जल्दी आ जाता है, 15-20 मिनट्स के अंदर अंदर आ जाता है, बट आपके पास में कोई भी वेटर जल्दी से नहीं आता। इनफैक्ट मुझे भी जाकर उनको बोलना पड़ा कि यार ऑर्डर कोई तो ले लो क्योंकि कोई कस्टमर्स नहीं थे, फिर भी ये हाल थे। तो ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, साथ ही साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके के नए वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी है जहाँ हमारे चैनल से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स डालते रहते हैं, तो आप हमें उस पर भी फॉलो कीजिए। बहुत जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहो, खुश रहने दो। प्रेज द लॉर्ड, बाय।